नटीरम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार आनंद जैन को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि नटीरम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों की अतिवृष्टि एवं बाढ़ के पानी से खरीफ की फसलें जैसे कि सोयाबीन, उड़द, मक्का, ज्वार, धान आदि फसलें पूरी तरह से खराब और बर्बाद हो चुकी है, जिनका अतिशीघ्र सर्वे कराकर राहत राशि दी जाए एवं साथ ही बीमा क्लेम की राशि भी जल्द ही दी जाए। अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इतनी अधिक बारिश पहले कभी नहीं हुई जितनी इस वर्ष हुई है। सोयाबीन की फसल की हाइट भी कम रह गई और वे ग्रोथ नहीं कर पाई, जिससे कि उत्पादन प्रभावित होगा। जल्द से जल्द किसानों की फसलों का सर्वे किया जाए। वहीं बाढ़ से पीड़ित हुए कई ग्रामों में लोगों के कच्चे मकान थे और वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। उन लोगों को रहने के लिए कोई जगह तक नहीं बची है। उन लोगों को अतिशीघ्र मकान बनाने के लिए राहत राशि दी जाए। नटर तहसील और शमसाबाद तहसील में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में जो मुआवजा दिया गया वो इतने भेदभावपूर्वक दिया गया है कि जिसका नुकसान 1,00,000 रुपए का हुआ है उसको 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं और जिसका 2,000 रुपए का नुकसान हुआ उसको 20,000 और 40,000 रुपए दिए गए हैं। ये प्रमाण है हमारे पास, हम जब समय आएगा तो हम वो पेश भी करेंगे। अभी हमारे शमसाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह जी कस्बा खेड़ी गाँव गए थे। कस्बा खेड़ी के लोगों ने कहा कि साहब हमारी बाढ़ से बहुत क्षति हो गई है, तो विधायक जी के पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह जो सब थे वो सब दे थे कि मेरी पोलिंग अब 12 वोट से आ रही है, इसलिए आप लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि चुनाव पोलिंग जीतने और हारने के आधार पर यदि मुआवजा मिलने लगे और सरकार इस तरह का प्रशासन इस तरह से काम कर रही है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भेदभावपूर्ण काम हो रहा है। क्योंकि आप जाइए कस्बा खेड़ी में 20 मकान ऐसे जो मैं देख के आया था जो 100% क्षति हो गई, उनको 10,200 रुपये उनको मुआवजा दिया गया है। और विधायक जब साथ थे, पूर्व विधायक साथ थे, कलेक्टर साहब भी साथ थे, तो इससे स्पष्ट यह है कि नेताओं के दबाव में ही, भाजपा के नेताओं में के दबाव में ही ये काम हो रहा है। और नहीं हो रहा होता, जिनकी 100% क्षति हुई है तो उनको 95,000 1,00,000 रुपये मिलना था। कस्बा खेड़ी स्वयं मुख्यमंत्री आए थे, विधानसभा में देखा गया है 2019 का फसल बीमा जो है संसभा विधानसभा के जो हल्के अभी तक बनते थे, संसभा का तहसील का ग्राम लखार। और सर आज जो ज्ञापन देने आए आप सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, किस उद्देश्य से देने आए तो विस्तार से बताएं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से, उसमें जिन लोगों का जितना नुकसान हो उसको नियम अनुसार जो RBC में जो नियम तय हैं या सरकार अलग से किसी योजना के माध्यम से उसकी सहायता करना चाहती है तो समान रूप से वितरण, समान रूप से जो हमारा जो मुआवजा है सबको जिस नुकसान के अनुसार उस किसान को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक रूप से भेदभाव बरता जा रहा है कि BJP का अगर कार्यकर्ता का नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा ज़्यादा मिल रहा है और अन्य को नहीं मिल रहा है। तो ये तो कभी ऐसा होने हो ही नहीं सकता। केवल BJP के ही थोड़ी टैक्स देती है, BJP थोड़ी अकेली किसान है, किसान तो अन्य लोग भी हैं। तो उस बात को आरोप ये है कि BJP अपने अपने आदमी को बिल्कुल आरोप नहीं, अधिकारी उन्हीं कहने सब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इससे भेदभाव पैदा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी नौतिया आए थे और उन्होंने कहा है किसान गरीब जिसका भी जो भी नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई की जाए। मैं माननीय आपको ये बताना चाहूँगा, आप मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हो, कई बार आप उनकी वाइट ले चुके हो, कई बार उनके भाषण छाप चुके हैं पत्रकारगण, उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आज तक सही निकली है? जो पिछड़ा मुआवजा हमारा बकाया है 35%, वो भी आज तक तीसरी किस्त आज तक। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है किस संदर्भ में दिया गया है और क्या समस्या रही क्षेत्र में? आज कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण इकट्ठे हुए और हमने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मुआवजा जो सही तरीके से नहीं बट रहा है, किन्हीं लोगों के खाते में तो आए नहीं है। मेरे साथ नरखेड़ा के चंदू खड़े हुए हैं, कमल अहिरवार खड़े हुए हैं, इनके खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। और CM साहब जबकि ये घोषणा करके गए थे कि बकरी के 5,000, भैंस के 70,000, मुर्गी के कितने 700 रुपये, सारे कुछ इन्होंने लिखा है, लेकिन अभी तक किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया, कोई राहत नहीं आई है और ज़िंदगी इनकी बद से बदतर है। वहाँ पर 3 दिन तो लाइट नहीं रही, वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं,
हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यथाशीघ्र बिल्कुल और बिना किसी भेदभाव के दोबारा से सर्वे करें। फसलें पूरी तबाह हो गई हैं, फसलों के सर्वे करके और उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, शीघ्र बीमा राशि पहुंचाई जाए। बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं ग्रामों में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो ये तो जवाब जो है जनता ही देगी, उनको समय आ रहा है, जनता ही जवाब देगी इस चीज़ का। इस पर प्रतिक्रिया भी जनता को ही देना है, कौन किसको भ्रमित कर रहा है, सारी प्रतिक्रिया आपके सामने है। वैसे ये सब गरीब लोग खड़े नहीं होते, किसी को तकलीफ होती तब होती प्रतिक्रिया के। मकान पूरा गिर गया है और 3200 रुपये का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, यही प्रतिक्रिया है। आज जो है रघुवीर दीक्षित जी पुवारिया ने अपना चेक लौटा दिया आदरणीय तहसीलदार महोदय को 3200 रुपये का, उन 1500 रुपये का मकान उनका की छत पूरी उड़ गई थी और उनको 3200 रुपये का 1500 स्क्वायर फीट का उनका छत उड़ गई थी और उनको 3200 रुपये मुआवजा